अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत एक बार फिर अपनी एक्टिंग से ऑडियंस के होश उड़ाने आ गई हैं। जी हाँ, कंगना और राजकुमार राव की फिल्म जजमेंटल है क्या आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। तो कैसा है फिल्म का रिव्यू और ऑडियंस की क्या है राय, इस रिपोर्ट में देखिए। फिल्म जजमेंटल है क्या का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है उस वक्त से ऑडियंस में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बना हुआ था। फिल्म का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था। आज ये इंतजार खत्म हुआ और फिल्म रिलीज हो गई, जिसे लेकर ऑडियंस का मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म में एक बार फिर राजकुमार राव और कंगना की एक्टिंग दर्शकों के दिलों को छू गई है। भाई ये तो आपने सुना होगा कि जहां कंगना हो वहां हीरो फीका पड़ता नजर आता है, लेकिन जजमेंटल है क्या में ऐसा कतई नहीं है। यहां दोनों एक से बढ़कर एक हैं और ऑडियंस भी दोनों की जमकर तारीफ कर रही है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है बॉबी और केशव के बारे में, जो एक बार मिलते हैं और फिर शुरू होता है मिस्ट्री गेम। केशव के घर में हुआ है मर्डर और इस मर्डर का जिम्मेदार कौन है, इस गुत्थे को सुलझाने की कहानी है जजमेंटल है क्या। शक है बचपन से पागलपन करने वाली बॉबी और केशव पर। इस मर्डर मिस्ट्री को ही सुलझाने में कई रोमांचक मोड़ आते हैं जो आप बेहद पसंद करेंगे। यानी कहा जाए तो फिल्म की कहानी बढ़िया है, जो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। उसका एक्सीक्यूशन शानदार है, जोक्स और पंचलाइन एकदम फिट टाइमिंग के साथ हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ बेहद शानदार है, जो आपको अगले पार्ट से जुड़ी एक्साइटमेंट के लिए बांधे रखता है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है फिल्म आपको अपने साथ और ज्यादा जोड़ती चली जाती है। फिल्म में बॉबी का किरदार निभा रही हैं बेबाक कंगना और राजकुमार बने हैं सीधे साधे केशव। बॉबी अपने बचपन के ट्रामा से गुजरने के बाद एक्यूट साइकोसिस नाम की दिमागी बीमारी से जूझ रही है। बॉबी के घर आते हैं नए किराएदार केशव और रीमा, जिनकी जिंदगी बॉबी के लिए काफी अलग है। बॉबी केशव और रीमा की इस अलग जिंदगी की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन एक मर्डर के चलते उसका भ्रम टूटता है और वो केशव को शक की निगाह से देखने लगती हैं। अब बॉबी के दिमाग में जो चल रहा है वो सही है या नहीं, यही आपको फिल्म का सेकेंड हाफ देखने के लिए बांधे रखती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना रनौत और राजकुमार राव ने कमाल कर दिखाया है। बॉबी के रोल में कंगना ने अलग ऊंचाइयों को छुआ है। कंगना की परफॉर्मेंस बेमिसाल है, वहीं राजकुमार राव ने भी कंगना को जबरदस्त टक्कर दी है। ये बात फिल्म देखकर यकीन से कही जा सकती है। राजकुमार राव बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में अपनी पहचान बना चुके हैं। अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में उन्होंने एक्टिंग का लोहा मनवाया है। ऐसा अलग अलग लेयर्स वाला किरदार उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से निभाया है कि आप उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं सकते। सपोर्टिंग कास्ट में एक्टर हुसैन दलाल, सतीश कौशिक, अमायरा दस्तूर, अमृता पुरी और जिमी शेरगिल ने भी शानदार एक्टिंग की है। हुसैन दलाल के किरदार को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, जो बेहद ही मजेदार है। फिल्म को प्रकाश कोविलामुड़ी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग दोनों ही बढ़िया है। फिल्म का म्यूजिक भी काफी अच्छा है। यानी साफ तौर पर कंगना और राजकुमार ने एक बार फिर अपनी अदाकारी से ऑडियंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनकी ये मेहनत रंग भी ला रही है।